इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है शिवम पांडे एंड वी विल बी बिगनिंग द टॉपिक ऑफ़ द इरिगेशन कंसेप्ट टूडे हमने लास्ट क्लास में भी कुछ चीज़ें इसके बारे में बात करी थी जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी मैथड ऑफ इरीगेशन मैथड ऑफ इरीगेशन में हमने पहले के तीन मैथड्स जो कि हैं सर्फेस इरीगेशन मैथड या फर्स्ट मैथड देन द सब सर्फेस इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन ये तीन मेथड हमने डिटेल में देखे थे कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्या क्या डिसएडवाटेज हैं कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करते हैं टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस ड्रिप इरीगेशन यदि हम ड्रिप इरीगेशन की बात करें तो इस ड्रिप इरीगेशन में आप देखिएगा इसको हम ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं हेयर द वॉटर एंड फर्टिलाइजर आर स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट तो ड्रिप जैसे ग्लूकोज का ड्रिप होता है ना कि ड्रिप कर करके उस व्यक्ति तक पहुँचता है ग्लूकोज वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजर और वाटर का मिक्सचर जो है वो प्लांट के डायरेक्ट रूट जोन में जा रहा है सो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सेकंड पॉइंट सी हेर इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द रो क्रॉप्स एंड द ऑर्चर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पर टोमेटो ग्रेप्स कॉर्न कैबेज एक्सेट्रा दीज आर द क्रॉप्स फॉर विच ड्रिप इरीगेशन इज बेस्ट सूटेड अच्छा यदि हम बात करें कि वर्क कैसे करता है तो यहाँ पर देखिएगा कि इस डायग्राम में दिस इज द फील्ड हेयर So, this is the field here. Now, what happens? water supply is given, which is controlled by a gate valve, which is uh, given here. And then, with the help of the nutrient tank, or we can say that the fertilizer, uh, which is to be applied, is stored in a tank here, and it is being mixed in the water, which is controlled by another valve here. Okay. So, this is there. Then, it again moves on with the help of filter. Then, it is moved to the main pipeline. Okay. This is the main pipeline here.

ओके सेकंड पॉइंट इवेपोरेशन लॉसेस आर नेग्लिजिबल इवेपोरेशन लॉस आपको तब देखने को मिलता है जब आपके पास क्या हो फील्ड में बहुत ज्यादा पानी जमा हो ओके okay. जैसे रिजर्व रिजर्वा में आप देखते हैं कि इवेपोरेशन लॉसेज आर वेरी मच हाइयर यहां इवेपोरेशन लॉसेज आर नेग्लिजिबल थर्ड पॉइंट इज क्योंकि पानी जमा नहीं होता है इसलिए डिजीजेज डू टू डैम्पनेस दे डिक्रीज हाई ओके फोर्थ पॉइंट इज दैट नो लैंड लेवलिंग इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद नो सॉइल इरोजन लेवलिंग इसलिए करनी पड़ती है कि पानी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खेत में पहुँच जाए बट यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ओके बिकॉज वाटर इज बिंग सप्लाइड इन अंडर प्रेशर डिसएडवानटेजेस की यदि हम बात करें तो इट इज़ हाईली स्किल वर्क ओके सो हाई स्किल इज रिक्वायर्ड इन द डिज़ाइन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो हमने पूरा सिस्टम दिखाया उसके लिए काफ़ी स्किल की जरूरत पड़ती है सो लेबरर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर नेक्स्ट इज द प्लास्टिक पाइप्स विच मे गेट अटैक बाय द रोडेंट्स जैसे कि आपका रैट्स हो गया ओके एंड सो ऑन सो डैट कैन बी अ प्रॉब्लम इट नीड्स रेगुलर फ्लशिंग एंड सुपरविजन बिकॉज वैन यू आर अप्लाइंग द फर्टिलाइजर और द न्यूट्री एंट विद देल्प ऑफ द पाइप्स तो वहाँ पर क्या होगा वो एक तरीके के सॉल्ट्स हैं सॉल्ट्स क्या होंगे पाइप में डिपॉजिट हो जाएंगे जिसके कारण वो पाइप की एफिशंसी को कम कर देंगे उसके जो कैरिंग कैपैसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे इसीलिए इट रिक्वायर्स रेगुलर फ्लशिंग एंड सुपरविजन सो दट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेंटेनेंस तो यहाँ तक हमने बात करी कि क्या क्या मेथड्स है इरीगेशन के नाउ वी विल भी टॉकिंग अबाउट द वॉटर विच इज बी यूज फॉर द प्लांट ग्रोथ हमने अभी तक बात करी कि हमें इरीगे के लिए पानी चाहिए ओके तो वाटर आर द फंक्शन ऑफ वाटर वाटर का काम क्या है प्लांट ग्रोथ में वो कैसे कैसे हेल्प करता है फर्स्ट पॉइंट सी है वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द न्यूट्रींट्स एंड द सोल्यूशन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स और डायरेक्टली आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो एब्जॉर्व नहीं हो पाएगा बट अगर वाटर के साथ में लाया गया तो थोड़ा सा डायलूटेड फॉर्म में रहेगा एंड इट कैन भी इजिल एब्जॉर्ब बाय द प्लाट नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स द मॉइस्चर फॉर द केमिकल एक्शन विद इन द प्लाट फॉर इट्स ग्रोथ आप जानते हैं यदि आप फोटो सिंथेसिस के बारे में जानें तो फोटो सिंथिस में वाटर का रिक्वायरमेंट है ओके बिकॉज द प्लांट विल टेक इन द वॉटर और उसकी वजह से वो अपना फूड मैनुफैक्चर करेगा

अब होता क्या है कि यदि आपके सेल यदि हम बात करें सेल की तो ये सेल जो है यदि सफिशियंट वाटर नहीं है इसमें तो ये क्या होगा ये सैग कर जाएगा ओके लाइक दिस इट सैग्स बट अगर वाटर इज इन सफिशियंट अमाउंट इन द सेल ओके इन द सेल ऑफ द प्लांट तो उसमें क्या होगा ये जो पानी है ये पूरे इस पूरे रीजन में इस पूरे सेल में क्या होगा प्रॉपर प्रेशर बना रखेगा तो इस सेल का प्रॉपर शेप मेंटेन रहेगा टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल शेप मेंटेन रहेगा तो उसकी एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी ओके सो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट सेल यदि प्लांट सेल की एफिशिएंट फंक्शनिंग है तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट के जो जो पूरा प्लांट है वो अच्छे से वर्क कर रहा होगा उसके अंदर डिजीजेज के चांसेज कम रहेंगे नेक्स्ट टॉक अबाउट द सोयल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट अच्छा यदि हम बात कर रहा हूँ सोयल मॉइस्चर की तो पहले आप सोयल का स्ट्रक्चर समझिए सोयल में तीन चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं किस किस चीज़ की फर्स्ट इज द सॉलिड सेकेंड इज द लिक्विड और द वॉटर एंड थर्ड इज द एयर तो सॉलिड का तो चलिए ठीक है सॉलिड इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ डैट जो हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं लिक्विड और एयर की यदि हम बात करें यहाँ पे तो इन दिस केस यू कैन सी हेयर डेट लिक्विड इज वॉट लिक्विड इज समथिंग दैट इज हेयर दैट इज वाटर और इस ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी कहाँ पे होती हैं इफ आई से दिस इज सॉलिड ओके एंड द अदर थिंग इज हेयर दट इज द लिक्विड एंड दिस इज द एयर ओके या फिर इसको हम वाटर बोल देंदी तो ये जो पोर्शन है ना ये वॉइड्स वाला पोर्शन है जितनी भी खाली स्पेसेस होंगी सॉयल में वो क्या होंगी वॉइड्स होंगी अब इस वॉइड्स में दो चीज़ें आ सकती हैं क्या एक तो आपका वाटर एक तो आपका एयर बट यदि सारे एयर को रिप्लेस कर देता है कौन सा ये वाटर तो उसके इसमें क्या होगा उसको हम कहेंगे कि वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉयल है जितनी भी वॉइड्स थे जितनी भी खाली जगह थी उसको किसने फिल किया वाटर ने फिल किया सो इफ आई टॉक अबाउट दिस सेचुरेशन कैपेसिटी टर्म हेयर इट इज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉयल वेन द हंड्रेड परसेंट पोर्ट्स ऑफ द सॉयल आर फिल्ड विद वाटर यानी कि जितने भी पोर्स थे जितने भी वॉइड्स थे सॉयल में दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर ठीक है थर्ड दिस पॉइंट हेयर द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल इज सेचुरेशन कैपेसिटी यानी कि मैं कह रहा हूं कि सॉयल में दो चीज़ें हैं क्या एक तो सॉयल में है सॉलिड्स जो कि आपके अलग अलग ग्रेन्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के और एक है आपके वॉइड्स अब इस वॉइड्स में हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि इसमें जो है फुली हंड्रेड परसेंट यदि आप वाटर भर देते हैं वाटर आ जाता है इसमें तो डेट इज कॉल्ड एज अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉयल और यही इसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगी बट ऐसा होता नहीं है यूजली देर इज सम एयर that इज being फील्ड Field capacity यदि हम बात करें तो इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द soil आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर तो यदि मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, तो इफ आई से that दिस इज द ग्राउंड लेवल और वाटर किसी माध्यम से नेट से यहां पे आया और नीचे पर्कुलेट करता है ओके okay? नीचे ये पर्कुलेट करता, है. नीचे, करता है. नीचे परकुलेट परकुलेट है नीचे यहां पे आपका ग्राउंड वाटर एक होगा और ये वाटर टेबल में जाके मिलेगा बट ऐसा भी तो होगा कि ये पानी परकुलेट करके यहाँ पे आया बट कुछ ही पोर्शन है जो यहाँ पे पहुंचेगा कुछ पोर्शन क्या होगा यहाँ ग्राउंड लेवल पे रिटेन कर जाएगा और जो ये पानी रिटेन कर गया यही तो वो पानी है जो यहाँ पे क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए एक्फर का पानी ये क्रॉप्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है बट द वाटर दैट इज रिमेनिंग हेयर नियर द ग्राउंड लेवल डैट इज द पॉइंट दैट इज द वाटर डैट विल भी रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स और यही फील्ड कैपेसिटी यहाँ पर बात करता है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉयल आफ्टर द फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर तो ये जो पानी है ये जो पानी नीचे आया है और जो आपके एक्फर में आके मिला है या वाटर टेबल से आके कंबाइन हो गया है इट इज कॉल्ड एज द फ्री और दुट से डेट द ग्रेविटी के कारण जो पानी आया है ओके okay? ग्रेविटी वाटर यदि हम फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे तो फील्ड कैपेसिटी इज गिवन बाय वेट ऑफ द सॉरी वेट ऑफ द वाटर रिटेन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ दॉयल अपन वेट ऑफ द सेम सॉयल वॉल्यूम यदि मैं इसको यूनिट वेट के डम में लिखूँ तो आई विल वाटर का वेट अपॉन द सॉयल का वेट ओके अपॉन दॉयट हेयर सो दिस इज गिवन बाय गामा डब्ल्यू बाय गामा इंटू वी वी अपॉन वी यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी कमिंग आउट क्या है आपका विवी इज दॉल्यूम ऑफ दर्ड्स ओके वॉल्यूम ऑफ दर्ड्स फील्डी बाई गा डब्ल्यू अपॉन गामा इंटू नीटा यहां पर नीटा क्या है आपका पोरोसिटी नीटा इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल तो डिपेंड करता है कि पोरोसिटी कैसी है सॉयल की एंड ऑल्सो अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सॉइल देखिए जो कि आप गामा से यहाँ पर डिनोट करते हैं नेक्स्ट इज द परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें एक तो पॉइंट है जब पानी मौजूद है क्रॉप के लिए बट एक समय ऐसा भी आता है ड्यू टू द वेरियस लॉसेज एंड बाय द यूज़ बाय द प्लांट जो हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ़ द वाटर इन द प्लांट ग्रोथ तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर इज बिंग यूटिलाइज इतना यूटिलाइज कर दिया और हमने इरीगेशन भी नहीं किया तो उस केस में क्या आएगी ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर पानी इतना कम हो जाएगा फील्ड में जब विल्टिंग की संभावना शुरू हो जाएगी सो देर इज़ वन पॉइंट जब मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी मच लेसर तो हमें उसके पहले ही हमें इरीगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा तो सी है दिस परमानेंट विल्डिंग पॉइंट इट इज़ द वॉटर कंटेंट एट विच अ प्लांट इज नो लॉन्गर एबल टू एक्सट्रैक्ट द वॉटर फ्रॉम द सॉयल फॉर इट्स ग्रोथ ओके पानी है तो बट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में है और उसको वो प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी ग्रोथ के लिए सो आई विल नॉट से कि परमानेंट विल्डिंग पॉइंट में जीरो पानी है ग्राउंड में नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है पानी है बट प्लांट इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्टेड So, that is the point where the uh, plant will start wilting. This is the permanent wilting point that is the weight of the water held by the soil when the plant gets permanently wilted in a certain volume of soil okay, upon the weight of the dry soil of the same volume. So, that is the permanent wilting point. One more point will available moisture it is equal to field capacity minus per, uh, permanent wilting point. What is readily available moisture? रेडली अवेलेबल मॉइस्चर अवेलेबल मॉइस्चर का वो हिस्सा है जो कि प्लांट आराम से अवेल कर जाए जो कि प्लांट आराम से यूटिलाइज कर जाए तो अगर मैं कहता हूँ कि अवेलेबल मॉइस्चर हंड्रेड हंड्रेड का है हंड्रेड यूनिट्स का है ओके और लेट से अस्सी यूनिट्स ही ऐसी होंगी अवेलेबल तो है प्लांट के लिए ये सौ यूनिट आपकी अवेलेबल है प्लांट के लिए बट वो यूटिलाइज कितना अच्छे से कर पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है अस्सी यूनिट है तो जो सौ यूनिट है इसको हम बोल देते हैं अवेलेबल मॉइस्चर और जो अस्सी यूनिट है जो उसको प्लांट आराम से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर सो दिस रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर इज दैट पोर्शन ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर विच इज मोस्ट ईजिल एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स इट इज अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर तो यदि हम आ, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें एक ग्राफ से तो so यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे इज द इट इज द वाई एक्सिस पे इज द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉयल यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो मॉइस्चर कंटेंट फील्ड में जीरो है थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया मॉइस्चर कंटेंट और ये हमने बोला कि ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है इतना एक लेट से ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर टॉप पे दैट इज़ द फील्ड कैपैसिटी ओके ये सेचुरेशन पॉइंट से कम होगा पर यह जो फील्ड कैपैसिटी सेचुरेशन पॉइंट से कम होगा अच्छा यदि मैं बात करूँ फील्ड कैपैसिटी से फील्ड कैपेसिटी से लेकर पॉमोनेंट विल्टिंग पॉइंट तक तो दिस एंटायर मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड एज द अवेलेबल मॉइस्चर वाई बिकॉज अवेलेबल मॉइस्चर इज नथिंग बट फील्ड कैपेसिटी माइनस पी डब्ल्यू पी दैट इज द पॉमोनेंट विल्टिंग पॉइंट तो जो इतना पोर्शन है दिस इज द अवेलेबल मॉइस्चर बट क्या होगा कि कुछ ही पोर्शन होगा जो प्लांट आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा तो लेट्स से इफ दिस इज द पोर्शन दैट प्लांट इज एबल टू एक्सट्रैक्ट इजिल दिस इज कॉल्ड एज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर ओके ऑल्सो वन मोर थिंग क्या होता है यहां पे आपने यहां पे मान लीजिए पहली बार आपने इरीगेशन प्रोवाइड कर दिया और सॉयल में वाटर इज प्रेजेंट नाउ वॉट हैपन आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम वॉट विल हैपन द मॉइस्चर कंटेंट विल फॉल डाउन सो आफ्टर सम टाइम लेट्स लेट टी डेज मॉइस्चर कंटेंट हैज फॉल इन और ये जैसे ही ये लोअर लिमिट पे आया तो हमने क्या कर दिया हमने फिर से इसको इरीगेशन प्रोवाइड कर दिया जैसे हमने इरीगेशन प्रोवाइड किया फील्ड में तुरंत क्या हुआ वाटर कंटेंट फिर से शूट अप कर गया फिर उसके बाद जब फिर से कुछ दिन बीते डेट से ट्री डेज अगेन देन ट्री डेज बाद क्या हो रहा है फिर से ये मॉइस्चर कंटेंट डाउन जा रहा है एंड अगेन यू प्रोवाइड द इरीगेशन ओके सो वी आर रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स वी आर प्रोवाइडिंग द इरीगेशन एयर सो दिस इज कॉल्ड एज द अवेलेबल मॉइस्चर एंड दिस थिंग कितना कितना पानी वहाँ पर मौजूद है अच्छा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेप्थ ऑफ द वाटर टू बी गिवन डूरिंग ईच वाटरिंग ओके इट इज गिवन बाई डी डब्ल्यू विच इज दिस फॉर्मूला हेयर कितना आपको फील्ड में वाटर देना पड़ेगा ओके इफ दिस लेट से दिस इज द फील्ड हेयर ओके तो कितना लेट से अगर ए हेक्टेयर का अगर ये एरिया है आपके पास ओके दिस इज द ए एरिया हेक्टेयर तो यहाँ पे कितना डेप्थ का आपको पानी देना पड़ेगा डैट इज कॉल्ड एज डी डब्ल्यू यहाँ पर हम बात करेंगे ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा ये डिपेंड करेगा कि सॉयल का जो यूनिट वेट है वो क्या है ओके सॉयल की डेंसिटी क्या है अच्छा एक चीज़ और के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि वॉट इज द रूट जोन डेप्थ एयर कहाँ तक पानी पहुंचना है बेसिकली तो डैट इज डी एयर अच्छा एक चीज़ और के ऊपर डिपेंड करेगा कि वाटर का यूनिट वेट क्या है ओके डैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग दिस थिंग एयर और किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फील्ड में फील्ड में कितना मॉइस्चर कंटेंट आपको देना है कितना प्रोवाइड करना है तो डेट इज गिवन हेयर एज फील्ड कैपेसिटी माइनस एम नॉट डेट इज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर नो सी हेयर दिस गामा इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉयल गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वॉटर डी इज द रूट जोन डेप्थ इन मीटर्स एंड देन फील्ड कैपैसिटी एफ सी एम नॉट इज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम ओ एम सी या ऑप्टीम मॉइस्चर कंटेंट भी बोल देते हैं सो दिस इज द डी डब्ल्यू फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू दिस पोर्शन एयर फ्रीक्वेंसीगेशन हम कितने दिन पर इगेशन दे रहे होंगे अगर मैं कहता हूं कि लेट से द डेप्थ ऑफ द वॉटर द डेप्थ ऑफ द वॉटर डेट इज बिंग रिक्वायर्ड इज लेट से हंड्रेड यूनिट ओके और होता यह है कि कंजम्पटिव यूज कंजम्पटिव यूज मतलब कि जो भी एपो ट्रांसपोरेशन नीड्स हैं प्लांट की या फिर जो भी आ, सारे अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जो प्लांट से लॉसेज हो रहे हैं किसी न किसी रूप में या फिर प्लांट की ग्रोथ में यूटिलाइज हो रहा है डेट इज वॉट टेन यूनिट्स पर डे आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि सौ का रिक्वायरमेंट है और दस यूनिट पर डे है सो वॉट विल बी देयर यदि आप इसको फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो हंड्रेड अपॉन वॉट टेन तो डेट विल बी वॉट टेन डेज पे आपको इरीगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हर दस दिन बाद आप इरीगेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे सो दट इज कॉल्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉटरिंग या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन नो लेट इज टॉक अबाउट वन न्यूमरिकल इॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉयल इज थर्टी परसेंट परमनेंट वेल्टिंग पॉइंट इज इलेवन परसेंट डेंसिटी ऑफ द सॉयल इज थर्टीन हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब इफेक्टिव डेथ ऑफ द रूट जोन इज सेवन हंड्रेड एम एम डेली कंजमटिव यूज ऑफ द वॉटर फ्रॉम द गि क्रॉप इज इक्वल टू ट्वेल्व एम एम फॉर द हेल्दी ग्रोथ मॉइस्चर कंटेंट मस्ट नॉट फॉल बिलो 25% परसेंट ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्डिंग पॉइंट डिटरमिन द वाटरिंग इंटरवल इन डेज ठीक है तो आपसे पहली चीज़ कही गई है यहाँ पे कि आपको वाटरिंग इंटरवल निकालना है और आपके पास ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे आपका फील्ड कैपेसिटी है पॉमोनेंट विल्डिंग पॉइंट है गामा ऑफ द सॉयल है एंड देन डेप्थ ऑफ द रूट जो है एंड देन देर इज डेली कंजमटिव यूज ऑफ द वाटर इतना पानी हर दिन यूज कर रहा है कौन सा आपका क्रॉप ओके okay? देन दिस फॉर द हेल्थी ग्रोथ इट इज समथिंग इवन कि भाई मॉइस्चर कंटेंट इससे ज्यादा कम तो नहीं होना चाहिए ओके सो डैट इज देयर नाउ लेट इस टॉक अबाउट इट हेयर अगेन यहां पर बताया गया कि मॉइस्चर कंटेंट यदि हम बात करें वाई एक्स एस पे तो मॉइस्चर कंटेंट इज वॉट थर्टी परसेंटेज और जो पर्मानेंट वेल्टिंग पॉइंट है डेट इज वॉट डेट इज इलेवन परसेंटेज तो जो वाटर रिक्वायरमेंट है या फिर जो वाटर फील्ड मौजूद है एक तरीके से वो कितना है थर्टी माइनस इलेवन इतना आपके पास पानी देना चाहिए आपको थर्टी माइनस इलेवन डेट इज़ द नाइनटीन परसेंटेज और ये भी कहा गया है कि पच्चीस परसेंट तो भाई कम नहीं होना चाहिए है ना इससे हम ऐसा नहीं है कि हम पॉमन विल्डिंग पॉइंट पर पहुँचेंगे हम कहीं पर ही आके बीच में ही रुक जाएंगे तो डेट इज़ द ट्वेंटी फाइव परसेंटेज तो इज़ सी हेर कि ये कितना वैल्यू यहाँ पे आता है आई हैव कैलकुलेटेड है फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव बट आगे हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया है सो द वॉटर होल्डिंग कैपैसिटी अबव द पॉमोनेट बिल्डिंग पॉइंट इज वाट इट इज फील्ड कपैसिटी माइनस में पॉर्मोनेट बिल्डिंग पॉइंट दट इज गज थर्टी 11 डैट इज 19 परसेंटेज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा क्योंकि इससे नीचे तो हम नहीं करने देंगे तो वो कितना बताया गया था क्वेश्चन में गिवन था कि इट इज व्हाट 25 परसेंटेज इससे कम तो हम नहीं जाने देंगे तो अवेलेबल मॉइस्चर था 19 परसेंटेज उसके 25 परसेंट से हम कम नहीं जाने देंगे तो 30 माइनस व्हाट पॉइंट सेवन ऑफ दिस फाइव

सो वी हैव कन्वर्टेड इन टू पॉइंट थ्री जीरो एन पॉइंट वन फाइव सेवन फाइव क्योंकि ये परसेंटेज में आप नहीं ली जाएगी सो दिस विल कम टू आउट टू बी वॉट वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स एट एम एम तो इतना पानी आपको रिक्वायरमेंट है और हर दिन का यूज कितना है हर दिन का यूज है ट्वेल्व एम एम ओके डेली सी यू तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर सी यू की बात करें तो इट इज़ वॉट ट्वेल्व एम एम पर डे इतना रिक्वायरमेंट है ओके okay? और पानी कितना प्रोवाइड किया गया है इतना वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट एम एम तो वाटरिंग इंटरवल विल बी वॉट द ऑफरिंग विल बी वॉट डेप्थ ऑफ द वाटर दट इज हेयर डी डब्ल्यू अप ऑन द कंजम्पटिव यूज तो दिस कम्स आउट टू बी वॉट टेन डेज ओके टेन पॉइंट एट डेज तो हम उसको लोअर लिमिट में मॉडिफाई करते हैं और उसको हम कहेंगे कि हर दस दिन पर आपको इरीगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा नॉलेट सी अबाउट द वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप अच्छा अब यहाँ पे समझिएगा कि हमें पानी देना तो है पर किस किस समय देना है वो भी इंपॉर्टेंट है तो यहां पे दो टर्म की बात करेंगे हम एक बात करेंगे क्रॉप के रिस्पेक्ट में ओके okay? और हम एक बात करेंगे कि वाटरिंग के रिस्पेक्ट में ओके okay? जब हम क्रॉप की बात करेंगे तो आपको इसमें क्रॉप सुनते ही दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए पहले क्या कि सो कब कर रहे हैं आप बुआई कब कर रहे हैं और कटाई कब कर रहे हैं ओके दट इज़ द सोइंग एंड द हारवेस्टिंग तो सोइंग से ले हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है उसको हम क्या बोल देते हैं क्रॉप पीरियड तो यदि हम क्रॉप के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है डेट इज कॉल्ड एज द क्रॉप पीरियड ओके बट सो करने के पहले सोइंग के पहले वॉट वॉट यू यूल बी डूइंग यू विल बी प्रिपेयरिंग द फील्ड फर्स्ट और फील्ड कैसे आप प्रिपेयर करेंगे फील्ड में वॉटरिंग करके आप इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो so जब फर्स्ट वॉटरिंग इज गिवन हेयर डेट इज द पॉइंट वेयर यू प्रिपेयर द फील्ड आपने फील्ड में वॉटरिंग करी द फील्ड हैज बीन प्रिपेयर इट इज लेफ्ट फॉर अ फ्यू डेज ओके एंड देन यू सो द क्रॉप उसके बाद फिर क्या होता है ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन आपको हार्वेस्टिंग करनी है उसके दो दिन पहले तक भी आप वाटरिंग कर रहे हो ऐसा कभी नहीं होता है फॉर फ्यू डेज अर्लियर ओनली यू डू द लास्ट वाटरिंग जब भी आप आखिरी वाटरिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए दैट इज द पॉइंट वेर यू वाटर इट द लास्ट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप सीजन ओके नेक्स्ट वी मूव ऑन हेयर कि फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग का जो सीजन है उसको हम क्या बोल देते हैं बेस पीरियड ओके okay. सो so, यहां पे दो टर्म आए एक है क्रॉप पीरियड और एक है बेस पीरियड तो क्रॉप पीरियड इज नथिंग बट टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप ओके है वॉट इज द बेस पीरियड ये पानी के रिस्पेक्ट में है वाटरिंग के रिस्पेक्ट में है इट इज अ टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग डन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लैंड टू द लास्ट वाटरिंग डन बिफोर द हार्वेस्टिंग सो दीज आर द टू टर्म्स डेट इज द क्रॉप पीरियड एंड द बेस पीरियड अब हम बात करते हैं एक और टर्म की एक नाम दिया गया है पैलियो इरीगेशन जो पहली वाटरिंग आप कर रहे हैं बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप दैट इज कॉल्ड एज द पैलियो इरीगेशन सो वॉटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड एज द पैलियो इरीगेशन इफ यू टॉक अबाउट द कोर वाटरिंग कोर वाटरिंग इज द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट्स हैव अ फ्यू हाई तो यदि हम टाइम लाइन पर देखें तो आपने पहली वॉटरिंग करी यहां पे ओके दैट इज कॉल्ड एज द पैलियो इरीगेशन फिर आपने क्रॉप को सो किया देन उसके बाद

डेट इज कॉल्ड इज द कोर पीरियड नाउवी टॉक बट दिस ड्यूटी एंड डेल्टा ड्यूटी की यदि हम बात करें ड्यूटी मतलब हिंदी में अगर मैं बोलू तो कर्तव्य हुआ कर्तव्य किसका हम यहां पर बात कर रहे हैं वॉटर की ओके okay? सो so, अगर मैं कहता हूं कि एक क्यूमिक वॉटर एक क्यूमिक डिस्चार्ज यदि हम बात करें वन क्यूमिक डिस्चार्ज तो ये कितने एरिया ऑफ लैंड को इरीगेट कर ले जाएगा जितने भी एरिया को ये इरीगेट करता है डैट इज कॉल्ड एज वॉट द ड्यूटी ऑफ द वाटर ड्यूटी ऑफ द इरीगेशन वाटर डेल्टा क्या होता है डेल्टा होता है डेप्थ कितना आपको डेप्थ रिक्वायर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप फॉर अ पर्टिकुलर सीजन तो यदि हम बात करें पहले टर्म की दैट इज द ड्यूटी इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द लैंड इरीगेट बाई अ यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप तो फर्स्ट ड्यूरेशन फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक की यदि हम बात करें तो उस पीरियड में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और जो बेस पीरियड है इसको हम बी से डी नोट करेंगे आगे भी ड्यूटी इज यूजअली मेजर्ड इन हेक्टेयर पर क्यूमिक तो एक क्यूमिक पानी कितने एरिया को इरीगेट कर रहा है यदि मैं एरिया को हेक्टेयर के रूप में लिखूँ तो इट विल बी गिवेन एज वॉट कितने हेक्टेयर को इरीगेट कर रहा है एक क्यूमिक वॉटर ओके सो दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूटी यदि आपको अलग अलग इरिगेशन सिस्टम को आपको कंपेयर करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी रेस्पेक्टिव ड्यूटीज़ कितनी है डेट से चार सिस्टम है तो अलग अलग उन सबकी आपको ड्यूटीज को मेजर करना पड़ेगा इज़ कॉल्ड एज दिस ड्यूटी है नेक्स्ट यदि हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ द वाटर तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं यानी कि कितना एक क्यूमेक वाटर कितने एरिया को इरिगेट कर पा रहा है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है किस सीजन में आप क्रॉप कर रहे हैं राबी है खरीफ है और उस राबी खरीफ में भी कौन सी क्रॉप है दैट इज ऑल्सो हैविंग ईच एंड एवरी क्रॉप हैज अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ओके देन क्लाइमेटिक कंडीशन की यदि हम बात करें तो कैसा है uh, ज़्यादा हवा चल रही है कम हवा चल रही है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कम है विंडोलॉस्टी के ऊपर डिपेंड करता है देन द मेथड ऑफ इरीगेशन जो हमने पहले भी देखा देन द टाइप ऑफ द सॉयल ओके कि ब्लैक सॉयल है क्या रेड सॉयल है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल दिन द कैनाल कंडीशन वॉट इज द लॉस वाई कन्वेइंग द वॉटर टाइम ऑफ इरीगेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कल्टीवेशन तो ये हमने भी अभी थोड़ी देर पहले इसका न्यूमेरिकल देखा और इसके बारे में डिस्कस किया सो इफ यू टॉक अबाउट द डेल्टा इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ द वॉटर दैट इज रिक्वायर्ड बाई अ क्रॉप टू अटेन द मेच्योरिटी ड्यूटी इज मेजर्ड दिस सॉरी डेल्टा हेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर तो इतने सेंटीमीटर पानी रिक्वायरमेंट होगा इफ टू क्यूमेक ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप सोन इन एन एरिया हेक्टेयर्स, देन द ड्यूटी डी ऑफ द इरीगेशन वॉटर इज गिवेन एज वॉट फाइव थाउजेंड अपन टू दट इजी फाइव हंड्रेड हेक्टेयर पर क्यूमक सो यहां पर हमने बात करी ड्यूटी और डेल्टा की तो यदि यहां पर बोलूं कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा तो लेट वन क्यूमेक डिस्चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर बेस पीरियड ऑफ बी डेज तो एक क्यूबे डिस्चार्ज की बात है पूरे बेस पीरियड के लिए हमने पहले भी जो हमने डेफिनेशन देखी थी ड्यूटी की वहाँ पर भी हमने यही बात करी थी दैन अगर हम एक क्यूबे डिस्चार्ज दे रहे हैं पूरे बी दिनों के लिए तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाएगा दैट विल बी गिवन बाई बी इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटीन हमने इसको बस कन्वर्ट कर दिया है सो इट इज़ एट्टी सिक्स फोर हंड्रेड इंटू बी मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गोइंग टू गेट कलेक्टेड बाई दिस डिस्चार्ज फॉर वर्ट बी डेज